तो बस भाई अभी मैं बैठा हुआ था एहतिकाफ में, मैं लेके आई ये ब्लैक शरबत और सिंगल बर्गर। तो एहतिकाफ में बैठा हुआ था, सारे बुज़ुर्ग दिन बुज़ुर्ग आने जो है ना वो सोने और मैं अकेला उठा हुआ और ये जो उसमें भी खाता हूँ और फिर अंधेरा हो रहा है। मैंने अपना खाना बना लिया था तो बस जल्दी से नहीं खाता, खाने के बाद मुझे शावर लेना है, शावर लेना है, शावर लेने के बाद फिर फजर हो जाएगी। अभी जस्ट तकरीबन 1 बज रहे हैं और मुझे पता है मेरी हालत फुल गंदी आ रही होगी क्योंकि मैं सो रहा था। तो जल्दी से मैं ये खाता हूँ, खाने के बाद फिर ब्लॉग भी एडिट करना है, हमें अपनी इबादत भी करनी है क्योंकि सबसे जो अच्छा इबादत अभी होता है ना एहतिकाफ कयाम करना, लैलतुल कद्र की रात में बहुत सुकून मिलता है कि अकेले कयाम करना, कोई टेंशन नहीं। तो जल्दी से मैं एहतिकाफ पर बैठ गया। तो बस भाई सहरी आ चुकी है हमारी, मम्मा ने आज टिक्का भेजा, केचप चटनी और मायनीज और साथ में लस्सी। तो अभी बस क्या शोर इग्नोर करना, बहुत शोर हो रहा है। हमारे साथ पेशे इमाम मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है इमाम साहब, आए सहरी करें हमारे साथ आज? ठीक है, बस अभी हम सहरी करते हैं, शोर इग्नोर करना, बहुत शोर आ रहा है। बाकी आज लैलतुल कद्र की रात है तो इसलिए ना आज माशाल्लाह माशाल्लाह की बात आज देश भी है तो आज हम सैरी करते हैं इंशाल्लाह। तो बस सैरी के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं, तो आज हमारे इमाम साहब की किरत भी आपको सुनने को मिलेगी इंशाल्लाह। बस इंशाल्लाह सैरी करते हैं फिर उसके बाद हम आपको। तो बस वही जैसे अभी हम लोग सफाई कर रहे थे, नीचे का तो पूरा झाड़ू लगा लिया अल्हम्दुलिल्लाह हमने, बस अब वहाँ के वो मौजिन साहब लगा रहे हैं। इब्राहिम भी मेरे साथ ही है, हेलो क्या हाल है? इब्राहिम भी मेरे साथ ही था तो सारी सफाइयाँ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, सारी डन, थोड़ी बहुत रहती हैं। आए आपको ज़रा मौजूद साहब से मिलाते हैं भाई, थोड़ी बहुत सफाइयाँ रहती हैं, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हैं, सब कुछ हो गया। मैंने वो खाना भी धो लिया अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर की सफाई सारे अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी थोड़ा बहुत रहता है, बाकी थोड़ा बहुत रहता है। तो फिर साथ अभी जुम्मा है, बस जुम्मा है और 23 रमज़ान है, 23 रमज़ान है और जुम्मा 1444 हमारा साथ जुम्मा, तो आज जुम्मा है तो जुम्मे की नमाज़ भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह साथ। तो भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मतलब मेरी उम्र का पहला, मतलब साल का, मतलब पहली बार जिंदगी में पहली बार एहतिकाफ में बैठा था और हमारे खानदान में पहला बच्चा एहतिकाफ में बैठा, पता ही नहीं चला यूं गुजर गया एहतिकाफ और पापा भी आए थे। बहुत बहन से पूरे एहतिकाफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं आ रहा, मुझे बोलिए भैया की शादी हो गई। चलो इब्राहिम, आप भी इब्राहिम लिफाफा भी दे रहे हो? नहीं है मरियम आंटी ने, से जमा करें पैसे। बाबा मरियम मंडी चांद भी नजर आ गया माशाल्लाह से, आजादी मिल गई मेरे भाई को। माशाल्लाह मरियम आंटी, हाँ सबको चाहिए कि सब भी कोशिश करें बैठने के लिए एहतिकाफ करना, क्योंकि आसान तो कुछ भी नहीं होता। अगर आप कोशिश करोगे तो 10 दिन के लिए नफली मस्जिद के पास ही बैठा था आप लोग, 3 दिन के लिए सहरोजे की जो जमात निकल गई उसके अंदर निकले, आहिस्ता आहिस्ता चिल्ला लगाए, 4 महीने लगाए, अल्लाह के रास्ते में जितना हो सके निकले, अपना वक्त अपने जान अपने माल से जितनी हो सके अल्लाह के रास्ते करने लगाए और अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाए, माँ बाप का फरमा बरदार बनाए, हमारे तमाम कबीरा कबीरा गुनाहों का माफ़। एहतिकाफ में 10 दिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सबसे पहले तो सब्र मिलता है सीखने, पूरे रमजान सब्र 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 में निकाले सब्र, और ऐसा सबर के बस दिल चाहता है बाहर आए लेकिन अल्लाह के डर से रुक जाते हैं, और अल्लाह ने अजान सुनी, अल्लाह की इजाज़त मिल गई और डायरेक्ट सब बाहर आ गए, अल्लाह की इजाज़त ही थी, अजान जैसे ही मगरिब की हुई और अल्लाह की इजाज़त हुई और आ गए। सबको चांद मुबारक। हाँ आप सबको चांद रात मुबारक, और हम सब की तरफ से अगर कोई बात अगर कोई गलत हो जाता है, जैसे कोई गलती हो जाती तो सबको मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से सबको माफ़ी के तलबगार हैं। बाकी इंशाल्लाह दुआओं में हम सबको आप याद रखिएगा, हम सब भी आपको सबको दुआओं में याद रखेंगे इंशाल्लाह, और बाकी चांद रात आप सबको मुबारक। और ये बहन तोहफा भी लाई, क्या लाई हो? पत्थर। कौन से? मेरे
मेरे के दुकान पे बैठा। तो इंशाल्लाह ये भी खोल के दिखाऊंगा और इंशाल्लाह